नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के राज्य मंत्री और उत्तरकाशी जिले के कोविड-19 व्यवस्थाओं के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने विधानसभा, जिला प्रशासन और जनपद स्तरीय अधिकारी उत्तरकाशी की वर्चुअल माध्यम से बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं बैठक में मंत्री ने सबसे पहले जिलाधिकारी उत्तरकाशी से जनपद में कोरोना महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति, विभिन्न अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, ICU बेड, ऑक्सीजन बेड से लेकर दवाइयों, चिकित्सा सहायक उपकरणों, एम्बुलेंस और दूरस्थ क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण हेतु तैनात मोबाइल टीमों तथा अन्य मानवीय तथा गैर मानवीय संस्थानों की उपलब्धता की जानकारी जानी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन उत्तरकाशी को कोरोना महामारी से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिए। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को कोरोना के उपचार हेतु स्थानीय PSC, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर ही इलाज, आवश्यक दवाइयाँ, PPE किट, ऑक्सीजन बेड की आपूर्ति, कोरोना टेस्टिंग, वैक्सीन के टीकाकरण की यथासंभव व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। पौड़ी नगर में कोविड कर्फ्यू का मजाक बनाया जा रहा है। जहां एक ओर कोरोना संक्रमण फैलने के कारण जिला प्रशासन को कोविड कर्फ्यू जैसा कदम उठाना पड़ा, वहीं अब भी लोग इसके प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा कुछ पौड़ी के SBI के बाहर सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जहां लोगों की भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर पास के ही ATM में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड नियमों का पालन करने के लिए लोगों से बार बार अपील की जा रही है। वहीं पौड़ी में लोग अब भी कोरोना संक्रमण जैसी गंभीर समस्या को हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बैंक पिछले दिन अवकाश होने और शादियों का सीजन होने के कारण लेन देन हेतु लोगों का जमावड़ा बैंकों में लगा रहा, लेकिन खास बात यह है कि कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, ना ही व्यवस्था को दुरुस्त करा रहा था। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कई लोग इसमें अपनी जान भी गंवा रहे हैं, मगर धर्मनगरी हरिद्वार मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर एक एम्बुलेंस चालक ने कोविड शव को महज 3 किलोमीटर ले जाने के लिए 80,000 रुपए वसूलने की कोशिश की, लेकिन एन मौके पर SDM के पहुंचने से इस वसूली का भंडा फोड़ हो गया। इस मामले में SDM ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को सीज करने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। नीलधारा शमशान घाट पर मनमाना किराया वसूलने का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। भिल के सेवानिवृत्त AGM की कोरोना से मौत हो गई थी। उनके साथ अस्पताल में उनकी पत्नी थी। उनका बेटा अमेरिका से हरिद्वार के लिए चल दिया था, जिसे शनिवार सुबह हरिद्वार पहुंचना था। 2 दिन शव को रखने की दिक्कत थी, जिसके लिए फ्रीजर वाली एम्बुलेंस से बात की गई, जिसने महिला की मजबूरी को भांप लिया और शव को रखने तथा नीलधारा शमशान घाट तक छोड़ने का किराया 80,000 बताया। मजबूर महिला ने हाँ कर दी। शनिवार दोपहर बेटे के पहुंचने पर शव को लेकर शमशान घाट ले जाया गया। इलाके के निरीक्षण कर रहे SDM ने परेशान परिजनों से एम्बुलेंस का किराया पूछ लिया तो भारी मन से उन्होंने किराया 80,000 बताया, जिसे सुनने के बाद SDM ने तत्काल ERT को मौके पर बुलाया और एम्बुलेंस को सीज करने के साथ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। SDM गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि इस समय में 80,000 किराए को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे समय में लोगों से इस तरह पैसे वसूलने पर अब प्रशासन की नजर है और ऐसा कार्य करने वाले प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चंडी घाट जो शमशान घाट है वहाँ का मामला है, और घाट के निरीक्षण पे भी गए थे तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आया और जो वहाँ पे एक बॉडी लाई थी तो उससे वो 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की तो उसका कहना ये है कि परसों रात को जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी डाली थी। लगभग 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था, क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी। तो उसकी डिमांड के लिए, उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पर की, जो 35 घंटा जो उसने अपने एम्बुलेंस में रखा तो 80,000 रुपये की डिमांड की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो ARTO है उनको भी बुलाया वहाँ पे और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है और संबंधित को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। देखिए, ये जो उन्होंने मुझे बताया, ये जो GD अस्पताल है वहाँ से लेके शमशान घाट तक ही गई थी, और GD अस्पताल के बाहर ये बता रहे हैं कि परसों शाम से उन्होंने डेड बॉडी को उस फ्रीजर में रखा हुआ था और वहाँ से केवल वहाँ तक आए थे, क्योंकि ये अपने बेटे का वेट कर रहे थे, जो उनकी मदर थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर से आना था, उनका वेट कर रहे थे, तो इसलिए वो परसों से रखी हुई थी। हाँ, बिल्कुल कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी थी और कोविड से ही डेथ हुई थी। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं सभी से अपील भी करूँगा और
कि इस तरह के माहौल में, क्योंकि अभी महामारी चल रही है और लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे समय में चाहे वो एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे दुकानों का मामला हो, किसी भी तरह का अगर इस तरह का जो मामले होते हैं वो बहुत संगीन होते हैं, ऐसे टाइम पे ना तो ओवर रेटिंग करनी चाहिए मानवता के तौर पे, इंसानियत के तौर पे, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह की लूट खसोट करनी। मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले में एसडीएम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को सील किया गया और साथ ही उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। एसडीएम द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह कोई भी मनमाना किराया वसूलता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से इंतजार रजा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।